हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री फायर में आने वाले इवोल्यूशन MP40, इवोल्यूशन बंडल और मिस्ट्री शॉप के बारे में। सो गाइस, हो सकता है होपफुली मिस्ट्री शॉप हमें इस बार देखने को मिल जाए। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लो और उसी के साथ साथ एक बेल आइकन बन के आ रहा हो, बेल आइकन पर क्लिक करके उसको ऑल पर सेट कर देना, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए चलते सीधे वीडियो पर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी इवोल्यूशन MP40 के इवेंट से। तो यार, इवोल्यूशन MP40 गाइस हमें देखने को जल्द ही मिलने वाली है। और गाइस, मैं एग्जैक्ट डेट आप लोगों को बताऊं तो 20 तारीख को हमें इवोल्यूशन MP40 देखने को मिल जाएगी। शायद से 20 तारीख को रात के 12 बजे आएगी, या फिर 20 तारीख मतलब या फिर 19 तारीख को रात के 12 बजे आएगी, मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है। बट हाँ, 20 तारीख के आसपास गारंटीड आपको देखने को मिल जाएगी, और वो आएगी हमारे फेडेड व्हील इवेंट में। तो आप लोगों को तो पता ही है कि इवोल्यूशन गन्स वगैरह फेडेड व्हील इवेंट में ही आती है। तो यार, अगर आपको MP40 निकालनी थी ना, तो डेफिनेटली डायमंड सेव करना शुरू कर दो। अभी टॉप अप रिवॉर्ड भी अच्छा है, तो फटाक से टॉप अप मार लो अगर मारना है तो। तो यार, MP40 कंफर्म हो चुकी है एंड बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाली है गाइस ये MP40। एट्रीब्यूट्स वगैरह गाइस अभी 100% कंफर्म तो नहीं है, बट गाइस डबल डैमेज, सिंगल रेट ऑफ फायर, या फिर मूवमेंट स्पीड माइनस होगी, या फिर रीलोड स्पीड माइनस होगी। अभी तक 100% कंफर्म एट्रीब्यूट्स सामने नहीं आए, मतलब इंग्लिश में कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं आया, तो इसलिए मैं कंफर्म नहीं बोल सकता। बट गाइस, लिटरली बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाली है ये MP40। लुक वाइज भी आप देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा कूल लुकिंग है। जैसे कि आपको पता ही है, कोबरा की थीम पे होने वाली है MP40, और इसका इमोट भी बहुत ही ज्यादा कूल है। तो यार, 20 तारीख को फाइनली हमें MP40 देखने को मिल जाएगी। एंड गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं ये MP40 निकालूं और उसके लिए सेपरेट वीडियो अपलोड करूं, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बोलना। अगर अच्छे खासे लोग कमेंट करते हैं, तो मैं डेफिनेटली कि MP40 निकाल के आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा। तो गाइस, MP40 का तो क्रेज़ है ही, साथ साथ एक और चीज़ का क्रेज़ है, वो है हमारा न्यू इवोल्यूशन बंडल। यस गाइस, न्यू इवोल्यूशन बंडल को भी लेके कन्फर्म न्यूज़ आ रही है। वैसे तो मैं अभी तक कंफर्म नहीं हूँ, बट जो भी न्यूज़ आ रही है, सब बोल रहे कि हाँ 100% सही है, 100% सही है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी आप लोगों को बता दूँ, इवोल्यूशन बंडल हमें देखने को मिल जाएगा 27 फेब को। तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है यार, बस जल्द ही आने वाला हमारा इवोल्यूशन बंडल, और हमें वो एक स्पेशल इवेंट में देखने को मिलेगा। सेम वही इवेंट जिसमें हमें पहले वाला इवोल्यूशन बंडल मिला था। तो अगर आप लोगों को याद नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये होने वाला वाला इवेंट, और इसमें हमें हमारा न्यू इवोल्यूशन बंडल देखने को मिलेगा। ये इवेंट में अगर डायमंड्स खर्च करने की बात करी जाए, तो गाइस डेफिनेटली कि 2-3 हज़ार डायमंड तो इजीली खर्च हो जाएंगे, अगर आपकी किस्मत ख़राब हुई तो। बट अगर आपका लक अच्छा रहा, तो गाइस आपको 1000 डायमंड के अंदर अंदर ये बंडल मिल जाएगा। आप देखो यार, रिवॉल्यूशन बंडल है, इसके साथ साथ दो इमोट भी हमें एक्स्ट्रा में मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि महंगा तो होने वाला है। बट गाइस, लिटरली बोलूंगा कि यार वर्थ है, अगर आप लोग ये अफोर्ड कर सकते हो ना, तो गाइस डेफिनेटली ये बंडल वर्थ है। पर्सनली मुझे बंडल अच्छा लगा है, बट यार प्राइस बहुत ज़्यादा जाएगा, और मेरे को पता है कि हर कोई ये नहीं निकाल पाएगा। गरीना का थोड़ा कुछ करना चाहिए यार इंडियन सर्वर के हिसाब से, क्योंकि मोस्टली लोग स्टूडेंट्स ही हैं जो ये गेम खेलते हैं, और वो इतनी महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते यार, तो कुछ तो डिस्काउंट देना चाहिए। बट गाइस, ये सब उम्मीदें करना बेकार है, क्योंकि डेफिनेटली कि 2-3 हज़ार डायमंड से नीचे ये बंडल नहीं निकलने वाला है। मैं खुद नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला बंडल। लेट्स सी, जब इवेंट आएगा तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 27 फेब को ये बंडल हमें देखने को मिल जाएगा। होपफुली कि कोई ढंग के इवेंट में आ जाए जिसमें कम डायमंड में निकल जाए। बट अगर जो इवेंट मैंने आपको दिखाया उसमें आते हैं, तो गाइस कोई चांस नहीं है यार, 2-3 हज़ार डायमंड के नीचे कोई चांस नहीं है। तो गाइस, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा मिस्ट्री शॉप। बट गाइस, उससे पहले आप लोगों को मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। यार, वीडियो यहाँ तक ही देख रहे हो, तो डेफिनेटली एंजॉय कर रहे हो, अगर एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। उससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई लीक्स, अपडेट्स या इवेंट की वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस, मिस्ट्री शॉप की बात करें, तो बहुत सारे सर्वर इसमें ऑलरेडी आ चुकी है। तो मैं आपको करंटली वियतनाम सर्वर की मिस्ट्री शॉप दिखा रहा हूँ। इसमें आपको पिंक प्रिंस और पिंक प्रिंसेस वाले बंडल्स दिखाए गए हैं, जो हमें वैलेंटाइन इवेंट पे देखने को मिलने वाले थे, बट अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। वैलेंटाइन इवेंट खत्म हो गया है यार, पता नहीं ये बंडल कब देखने को मिलेंगे। तो गाइस, चांस है, कुछ परसेंट चांस है कि हो सकता है कि सेम मिस्ट्री शॉप इंडियन सर्वर में भी आ जाए, सेम ये दोनों बंडल के साथ में। बट गाइस, इन दी केस अगर ये बंडल नहीं आते, तो गाइस अटैक ऑन टाइटन वाले बंडल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस, ये होने वाले वो बंडल, चार बंडल है अटैक ऑन टाइटन के, तो चार में से कोई भी दो हमें देखने को मिल सकते हैं मिस्ट्री शॉप में, सेम जैसे वन पंच मैन की मिस्ट्री शॉप में हुआ था। तो इस बार भी बहुत ज़्यादा चांसेस बताया जा रहे हैं कि मिस्ट्री शॉप हमें जल्द ही देखने को मिल जाएगी, बट अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन, 100% कंफर्म कुछ नहीं आया है।
तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि सीज जो नेकेड नेकेड वाले बंडल है ना, मुझे लगता है कि ये वाले बंडल हमें अटैक ऑन टाइटन वाली मिस्ट्री शॉप में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गाइस ये बहुत ही मेन कैरेक्टर्स है गेम के, सॉरी गेम बोल रहा हूँ, एनिमे सीरीज के ये लोग मेन कैरेक्टर है, सेम जैसे वन पंच मैन के मेन कैरेक्टर्स उन्होंने मिस्ट्री शॉप में दिए थे, तो ये दोनों कैरेक्टर भी मेन है इस अटैक ऑन टाइटन एनिमे सीरीज के, तो मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली यही दो बंडल हमें देखने को मिल सकते हैं, या तो फिर पिंक प्रिंस या पिंक प्रिंसेस वाले बंडल आएंगे या फिर ये दो बंडल आएंगे। होपफुली कि मिस्ट्री शॉप हमें देखने को मिल जाएगी 24th या 25th ऑफ फेब को, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है 22 को भी आ जाए 23 को भी आ जाए, बट यार लेट्स सी आती है कि नहीं है, क्योंकि अभी तक 100% कंफर्म तो किसी ने नहीं बताया, सब लीक्स ही बता रहे हैं। मैंने खुद ने अभी तक एलाइट पास परचेस नहीं करा है, अगर मिस्ट्री शॉप में एलाइट पास आ जाता है तो यार मैं डेफिनेटली लेने वाला हूँ। सो गाइस यही कुछ आइटम्स और इवेंट्स थे जो गेम के अंदर हमें जल्द ही देखने को मिल जाएंगे, होपफुली मिस्ट्री शॉप आ जाए इस मंथ, यार मैं वेट नहीं कर सकता। तो यार वीडियो को ही आप करते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है मिस्ट्री शॉप आएगी या नहीं। सो गाइस बाय बाय।